सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोडी का किरदार निभाने वाले एक्टर गुरुचरण सिंह बीते दिन से लापता हैं। गुरुचरण सिंह की खोजबीन में पुलिस लगातार लगी हुई है। दिल्ली में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। गुरुचरण के लापता होने की खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली। फैमिली के साथ ही फैंस और उनके सेलिब्रिटी फ्रेंड्स भी उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। हर कोई एक्टर को लेकर डरा हुआ है। वहीं अब एक्टर के कर्ज में डूबे होने की खबर सामने आई है। खबरों की माने तो सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा गुरुचरण सिंह के लिए वरदान जैसा साबित हुआ। इस शो से पहले एक्टर कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। उसे चुकाने के लिए उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा की कास्ट को ज्वाइन किया था। एक बार लाइव वीडियो के दौरान गुरुचरण ने इस बात का खुलासा किया था कि वो एक्टिंग में शौकिया नहीं बल्कि कर्ज उतारने के लिए आए। उन्होंने कहा था कि उनके सर पर बहुत कर्ज था। कर्ज उतारने का जब कोई रास्ता समझ नहीं आया तब उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ये रोल मिल गया। सोडी ने कहा था कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं। इस शो से उनकी किस्मत ने नया मोड़ लिया और वो अपना कर्जा उतार पाए। हालांकि शो छोड़ने के बाद से लेकर अब तक असित मोदी ने गुरुचरण का पेंडिंग अमाउंट नहीं दिया है। अब तक तारक मेहता से उनकी फीस की रकम उन्हें नहीं मिली है। ऐसे में एक्टर के गुमशुदा होने की एक वजह ये भी मानी जा रही है कि शायद वो कर्ज के कारण सब कुछ छोड़ कर गए हैं। असली सच क्या है ये तो पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो रहा है जहां एक्टर कंधे पर बैग टांगे नजर आ रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर पैदल पैदल घूम रहे हैं गुरुचरण। फाइनल कट न्यूज डेस्क।